शोक गीत हंगरी की यहूदी। बुदापेस्ट में एक चर्चा के दौरान कोई बता रहा था कि कहीं कुछ लोग हंगेरियन यहूदियों के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। किसी ने यह कहा कि हंगेरियन यहूदियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके उत्तर में किसी ने कहा, अगर आप हंगेरियन यहूदियों को देश से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा कौन, क्योंकि हंगरी के बड़े लेखकों में कई यहूदी हैं, कई बड़े वैज्ञानिक यहूदी हैं, बड़े बड़े बैंकों के संचालक यहूदी हैं, देश के मीडिया पर यहूदियों का बड़ा अधिकार है, बड़े अभिनेता और कलाकार यहूदी हैं, बड़े खिलाड़ी यहूदी हैं। इन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा तो देश में क्या रह जाएगा। मैं यह बात सुनकर थोड़ा अचरज में पड़ गया था। 10 मिलियन की हंगेरियन आबादी में केवल 60 से 80 हज़ार यहूदी हैं और उनका इतना दबदबा है कि उनके बिना हंगरी हंगरी ही न रह जाएगा। लेकिन हंगरी में कुछ लोगों के मन में यहूदियों के खिलाफ बड़ी असहिष्णुता है, विरोध की भावना है, उन्हें खलनायक और समाज विरोधी समझा जाता है। मैंने यह पता लगाने की कोशिश की और लोगों से पूछा कि ऐसा क्या है कि लोग यहूदियों के खिलाफ हैं जबकि वे संख्या में इतने कम हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किए गए। मित्रों ने यहूदियों से घृणा करने का कोई बहुत स्पष्ट कारण तो नहीं बताया, केवल इतना कहा कि हंगरी में सभी या अधिकतर ऊंचे पदों पर यहूदियों का एकाधिकार है और वे प्रायः किसी गैर यहूदी को उन संस्थाओं में अच्छे पदों पर नहीं आने देते। लोग आरोप लगाते हैं कि यहूदी केवल यहूदियों को ही प्रमोट करते हैं। लोगों ने यह भी बताया कि देश में यहूदी तंत्र बहुत सक्रिय है और वे एक दूसरे की आउट ऑफ द वे मदद करते हैं। ये अंदरूनी बातें हंगेरियन व्यवस्था की। और जब मैंने अमेरिका में इतिहास में पढ़ाई शुरू की थी तो डूइंग हिस्ट्री नाम के पेपर में एक जो मेरे प्राध्यापक थे उन्होंने यहूदियों की समस्या से ही शुरुआत की थी। और उस वक्त हिटलर पे जाहिर सी बात है कि इतिहास है और हम समकालीन समय को पढ़ रहे हैं और ये कितना दिलचस्प है, लेकिन इतिहास जानना कितना ज़रूरी होता है। तो फाइनल सॉल्यूशन टाइप के किताबों से हमने शुरुआत की थी कि पहले उन्हें अल्टीमेटम दिया गया और जब वो नहीं निकले देश छोड़कर तो फिर क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, हम सब अशोक जानते हैं, उस पर कितना कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन फिलहाल ये हंगरी है। अब ये देखिए कितनी अच्छी ये चर्चा चल रही है और देखिए कि कितनी सावधानी के साथ यहाँ लिखा गया है कि वो पूछ रहे हैं या बता रहे हैं और लगातार ये इन्वर्टेड कॉमा में है, अर्थात किसी का कथन है, अर्थात ये स्थापित सत्य नहीं है, अर्थात ये बात कही जा रही है, चर्चा है ना। तो एक दो बार मैंने बुदापेस्ट का हंगेरियन सिनेगॉग यानी मंदिर देखने का प्रयास किया था लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। दोहन्य उत्सव पर स्थित बुदापेस्ट सिनेगॉग संसार का दूसरा सबसे बड़ा सिनेगॉग माना जाता है जिसमें 3,000 लोग बैठ सकते हैं। इसका निर्माण 1854 में शुरू हुआ था और यह 1859 में पूरा हुआ था। यह मुस्लिम मस्जिदों के स्टाइल में बनाया गया है। इस पर स्पेन की मशहूर मस्जिद अलहमरा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसके अंदर कब्रिस्तान और एक यहूदी संग्रहालय भी है लेकिन ये सब मैं नहीं देख पाया था। बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिनेगॉग पर नाजी समर्थक पार्टी ने हमला किया था और बाद में यह जर्मन रेडियो का कार्यालय बना दिया गया था। लेकिन युद्ध के बाद इसकी पूरी मरम्मत कर दी गई थी और अब यह अपने मूल रूप में दिखाई देता है। हंगरी में यहूदियों का इतिहास बहुत पुराना है। हंगेरियन सम्राटों के दरबार में यहूदी अधिकारी थे।
लेकिन 13वीं शताब्दी तक यहूदियों के प्रति रवैया बदल चुका था। पश्चिमी यूरोप के प्रभाव के कारण हंगरी में यहूदियों के प्रति भेदभाव शुरू हो गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहूदी हंगरी की कुल आबादी का 5% थी। पहले विश्व युद्ध के बाद हंगरी में यहूदी विरोध बहुत बढ़ गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चरम सीमा पर पहुंचा। और मैंने तभी गूगल ही किया है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी, टचवुड, और ऐतिहासिक जगह है वो, द मॉन्यूमेंट ऑफ द शू या ऐसा कुछ वहाँ कहते हैं, जहाँ हंगेरियन लोगों को, मतलब जहाँ हंगेरियन यहूदियों को एक कतार में हिटलर की सेना के द्वारा खड़ा कर और गोली से मार दिया गया था। पहले जूते उतरवा कर नदी में गिरते चले गए थे वो, बहते चले गए थे वो। हम सब जानते हैं डेथ मार्च क्या था, इत्यादि इत्यादि। बात इतिहास और सामान्य दिनों, अब के दिनों की हो रही है, जिसमें एक इतिहास और एक वर्तमान को कैसे साथ साथ बुना जाए का सवाल आपको बहुत बढ़िया ढंग से दिखाई देगा। पहले विश्व युद्ध के बाद हंगरी में यहूदी विरोध बहुत बढ़ गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चरम सीमा पर पहुंचा। सोवियत क्रांति के बाद 1919 में हंगरी की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई थी। हंगरी में कम्युनिस्ट शासन बहुत कम समय रहा। कुछ ही महीनों के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगरी के कम्युनिस्ट शासन के विरुद्ध इतना बड़ा अभियान चलाया गया कि वह समाप्त हो गया। हंगरी के कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता यहूदी थे। यहूदी समाज में कम्युनिस्ट विचारधारा और राजनीति के समर्थकों की संख्या भी अधिक थी। उस समय हंगरी में कम्युनिस्ट और यहूदी पर्यायवाची शब्द बन गए थे, और इन दोनों ही को खतरनाक, खलनायक और देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया था। देखिए, ये जानकारी हम ऐसे नहीं पा सकते, बेहद वहाँ रह कर लोगों से बात करके हासिल किए हुए अनुभव, हासिल की हुई जानकारी, बल्कि कहें कि ज्ञान से अर्जा हुआ। जैसे कि वो लिफ्ट मैन वाला कितना सुंदर था पूरा वर्णन, है ना, भाषा की जादू से लेकर भाव का। वही बात है कि एक समय में हंगरी में यहूदी और सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एक शब्द थे, पर्यायवाची। यहूदी समाज में कम्युनिस्ट विचारधारा और राजनीति के समर्थकों की संख्या भी अधिक थी। उस समय हंगरी में कम्युनिस्ट और यहूदी शब्द बन गए थे, और इन दोनों ही को खतरनाक, खलनायक और देशद्रोही, है ना। सत्ता की बागडोर दक्षिणपंथी एडमिरल मिलकोश पोर्ती के हाथ में आ गई थी। सफ़ेद आतंक नाम के एक हिंसक आंदोलन समूह को दबा दिया गया था, और वे भूमिगत रूप में अपना काम कर रहे थे। इन्होंने एरोक्रॉस नामक अपना एक राजनीतिक दल भी बना लिया था। यह अंध राष्ट्रवादी, नाथसी समर्थक और हिंसक दल असंतुष्ट सेना, अधिकारियों, मजदूरों, किसानों में बहुत लोकप्रिय हो गया था। यही होता है। सन 1944 में हिटलर ने हंगरी पर अपना अधिकार जमा लिया था, और उसकी पपेट सरकार सत्ता में आ गई थी। नतीजे में एरोक्रॉस पार्टी अनौपचारिक रूप से सत्ता में भागीदार हो गई थी। यह समय हंगरी के यहूदियों के लिए कठिन समय था। उनके प्रभाव और अधिकारों को कम करने के लिए अमानवीय किस्म के कानून बनाए जा रहे थे। शिक्षा, व्यापार और अच्छे पेशों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि में उनकी भूमिका को सीमित किया जा रहा था। यहीं से शुरुआत होती है हमेशा। उच्च शिक्षा में उनकी संख्या को कम करने के लिए कॉलेजों में उनके प्रवेश को सीमित किया गया। कुछ वर्ष बाद 1938 में यहूदी की परिभाषा निश्चित की गई, और उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में 5 साल के अंदर अंदर उनकी भागीदारी सीमित कर दी गई। एक कानून ऐसा बनाया गया जिसके अंतर्गत सबको यह प्रमाणित करना आवश्यक हो गया कि उनकी 3 पीढ़ियों में कोई यहूदी नहीं था। सन 1943 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत यहूदी ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते थे। मेरे साथ कनाडा में यही हुआ कि एक तो पहले अमेरिका में देश निकाला, इसीलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी के बाद इस चैप्टर को चुना है, और उसके बाद फिर अपनी ज़मीन खरीद पाने के अधिकार और कागज़ के इंतज़ार में ही गुजरी तमाम वो
कहने की अवधि है ना। सन 1941 से ही हंगरी के यहूदियों को नाजी लेबर कैंपों में ले जाना शुरू हो गया था। सन 1944 की गर्मियों तक लगभग 40,000 यहूदी हंगरी से कंसंट्रेशन कैंपों में भेजे गए थे। नाजी जर्मनी के नस्ल श्रेष्ठता सिद्धांत के आधार पर केवल यहूदियों की ही नहीं बल्कि हजारों जिप्सियों और कम्युनिस्टों की भी गैस चैम्बरों में डालकर हत्याएं कर दी गई थी। सन 1945 के जाड़ों की एक बहुत ठंडी और अंधेरी रात थी। उन्हें घरों से निकाला जा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें घर से नहीं बल्कि दुनिया से निकाला जा रहा है। उन्हें बाहर एक लाइन में खड़ा किया जा रहा था। उन्हें किसी तरह का कोई सामान ले जाने की अनुमति न थी। बूढ़े बच्चे जवान औरत मर्द सब लाइन में खड़े किए गए थे। गुप्त अंधेरी रात थी। तेज हवा के झोंके थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। कहीं से न कोई आवाज़ आ रही थी, न उम्मीद की कोई किरण। उनकी गिनती की जा रही थी। कंधों पर बंदूकें टांगे एरोक्रॉस दल के कार्यकर्ताओं के चेहरे दमक रहे थे, जैसे वे कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे थे। लाइन धीरे धीरे दूना नदी की तरफ बढ़ने लगी। ठंडी हवा के तेज झोंके और तेज हो गए। ये दूना डैन्यूब है। इसके अलग अलग नाम हैं हर जगह। जर्मनी में अलग, वहाँ अलग कथाएँ हैं। आज जब वहाँ की कथाएँ आप पढ़ेंगे और इन कथाओं को पढ़ेंगे तो तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है कि वही लोग थे, वही जर्मन सेना थी जिनका जब ट्रायल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे थे, है ना। लाइन धीरे धीरे दूना नदी की तरफ बढ़ने लगी। ठंडी हवा के तेज झोंके और तेज हो गए। अंधेरे में दूना काली लग रही थी। नदी के किनारे उन्हें आदेश दिया गया कि वे अपने जूते उतार दें। इसी की मैं बात कर रही थी। उन्हें नदी के बिल्कुल किनारे खड़ा होने का आदेश दिया गया। वे नदी के बिल्कुल किनारे खड़े हो गए। उनके पीछे से गोलियां चलने लगीं और वे सीधे दूना में गिरने लगे। कुछ देर बाद उनमें से कोई न था, केवल उनके जूते रह गए थे। यह याद दिलाने के लिए कि वे कभी जीते जागते लोग थे। वे जूते कौन पहचानता, वे जूते कौन पहनता। लंबे समय तक वे जूते वहीं पड़े रहे। उनके जूते आज भी वहीं पड़े हैं, लेकिन अब एक यादगार में बदल चुके हैं। फिल्म डायरेक्टर जन तोगर कैन टोगर कैन सी एन है, इसे मैंने कैन पढ़ दिया, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो है जन तोगर के विचार और कल्पना को मूर्तिकार जूला पावर ने आकार दिया है। दूना के किनारे यह उन यहूदियों की यादगार है जिन्हें फांसीवादी एरोक्रॉस दल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। हम पढ़ रहे हैं अस्तम वजाहत सर की किताब स्वर्ग में 5 दिन मुझे सुनने